जैसा कि कबीर साहब के साथ हुआ, कबीर साहब के हम लोग सुन चुके हैं कि उन्हें 72 कसमी उनकी प्रसिद्ध है, तरह तरह से लोगों ने सताया। वैसे ही पलटू साहब के बारे में भी प्रसिद्ध है, क्योंकि ये लोग जो धर्म के नाम पर दुकानदारी लगाते हैं, यानी कि जो धर्म का प्रचार धर्म के प्रचार के उद्देश्य से न करके अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए करते हैं, तो सच्चे संत जब सत्य कथन करते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर आघात होता है, चोट। और जो जनता ऐसे संतों के संग में आती है, इनके प्रभाव में आती है, और जब उन्हें सत्य का ज्ञान होता है तो उन लोगों से वो विरक्त दूर होने लगते हैं, और तब वे चोट खाए सर्प की भांति फुफकारने लगते हैं, और ऐसे संतों को सताने का, परेशान करने का कोई अवसर चूकते हैं, उनके मार्ग में तरह तरह के व्यवधान खड़े करते हैं, जनता को उनके विरुद्ध गलत सही बातें करके भड़काने का प्रयास करते हैं, और जब इससे भी बात नहीं बनती तो सीधा संतों को सताने पर उतर आते हैं। कबीर साहब को हाथी के पैर के नीचे लाने की कोशिश की गई, जंजीर में बांध के बड़े पत्थर के साथ नदी में फेंक दिया गया, जलते तवे पर रख दिया गया, कितनी तरह से परेशान है। लेकिन संत कैसे होते हैं, जो उन्हें परेशान करते हैं उनका भी वो हित ही चाहते हैं, उनकी भी वे मंगल कामना ही करते हैं, उन्हें बड़े से बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले के प्रति भी उनके हृदय में तनिक भी किसी प्रकार का कोई दुर्भाव मन में नहीं रहता, कोई क्लेश नहीं इसका बुरा हो जाए, ऐसी भावना उनके मन में दूर दूर तक नहीं रहती, बल्कि वे तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर ये क्या कर रहे हैं, इन्हें सद्बुद्धि प्रदान करें, इन्हें सन्मार्ग पर।
ये अलग बात है कि जो ऐसी करनी करते हैं जिनके पीछे स्वयं भगवान चलते हों, उन भगवान के लाडलों को, परमात्मा के परम प्रिय भक्तों को जो चोट पहुंचाएंगे, कष्ट पहुंचाएंगे, तो ईश्वरीय दंड से कैसे बचेंगे? तो उनके जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं, लेकिन संत कभी कुछ नहीं। संत पलटू साहब को भी बहुत तरह से सताया गया और अंत में तो मार भी डाला गया। ये संत दोनों प्रकार के होते हैं। कुछ संत होते हैं, पहले भी हम लोग चर्चा की, जो उन्हें परेशान करते हैं ये दिखलाने के लिए कि देखो संतों में वो शक्ति होती है कि तुम उनका बाल बांका नहीं कर सकते, उनका सीधा उनके ऊपर परमात्मा की कृपा है, तो परमात्मा की कृपा जिन पर है उनका कोई क्या कर सकता है? जागो राखे साइया, मार सके नहीं कोई। होए, और बाल ना बांका कर सके कौन? एक दो नहीं, जो जग भरे, पूरा संसार भी यदि उनका शत्रु हो जाए तो उनका एक बाल टेढ़ा नहीं कर सकता। कौन? किनका? जो परमात्मा के प्रिय होते हैं। और परमात्मा के प्रिय कौन होंगे? जो परमात्मा के प्रिय कौन? देखिए हमारा प्रिय कौन होता है? माता पिता हैं, उनके कई बच्चे होते हैं, उनमें से अधिक प्रिय कौन होता है? यूं तो वो सब पर उनका स्नेह रहता है, सबसे वो प्रेम करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं बच्चों में से कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपने सत्कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपने आचरण से, अपनी सेवा से क्या करते हैं, अपने को पात्र बना लेते हैं और वो अधिक प्रिय हो जाते हैं। तो कौन अधिक प्रिय हो जाते हैं? जो अपने माता पिता की बात में रहते हैं, जैसा समझाते हैं वैसा करते हैं, तो उन पर स्वाभाविक रूप से स्नेह वृष्टि जो उनके पात्र में जमा होती जाती है, होती तो सब पर। तो वैसा ही कुछ होता है कि जो परमात्मा के प्रिय कौन होंगे, तो उनके पास परमात्मा कैसे हैं? तो परमात्मा परम शुद्ध हैं, उनमें तनिक भी किसी प्रकार का कोई मैल नहीं है, परमात्मा परम पूर्ण है। जो अपने को उनका निकटवर्ती बना लेता है, अपने को उनका करीबी बना लेता है, सांसारिक कार्यों में भी ऐसा होता है, देखिए बॉस हैं या कोई मिनिस्टर हैं, किसी बड़े पद पर हैं, तो जो जो अपने को उनके क्लोज सर्कल्स में ले आते हैं, निकटवर्ती बना लेते हैं, उनके काम आसानी से हो जाते हैं कि नहीं हो जाते? तो बोलते हैं ना, और उनको दूसरे भी पकड़ते हैं, अरे सुना आपकी उनसे बहुत पहचान है, थोड़ा मेरा भी काम करा लीजिए। तो वैसे ही संत कौन होते हैं? जो उपासना में रत रहते हैं। उपासना अर्थात उप जोड़ आसन, उप मतलब निकट, राष्ट्रपति के सबसे निकट कौन? उपराष्ट्रपति। अगर राष्ट्रपति न रहे तो उनका कार्यभार कौन संभालते हैं? उपराष्ट्रपति। उप अर्थात निकट और आसन मतलब स्थान। तो जो परमात्मा के निकट अपना स्थान रखते हो, उपासना उपासना क्यों करते हैं? उपासना का सही मर्म यह है, उपासना वह क्रिया है जिससे हम अपने को परमात्मा के निकट ले जा सकते हैं। तो संत जो होते हैं उपासना में पारंगत होते हैं, पूर्ण होते हैं, इसलिए वो सदैव परमात्मा के निकट होते हैं, समीपवर्ती होते हैं, और उन पर स्वाभाविक रूप से ईश्वर का स्नेह, ईश्वर की कृपा होती है, और उन्हें जो क्षति पहुंचाते हैं उनका अच्छा कहाँ से होगा? कई संतों के जीवन में पढ़ के देखिए, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन जिसने भी उन्हें क्षति पहुंचाने का प्रयास किया, उनके जीवन में ऐसे ऐसे कष्ट आए कि बयान करके भी रोक। तो एक ऐसे होते हैं जैसे माँ मीराबाई थी भक्तन, उनके सामने जहर का प्याला राणा जी भेजिया, विष का एकदम कड़ा जहर बनवाया और उसको आराम से पी गई, अमृत बना दिया, बोला इससे नहीं होता है तो फूलों की टोकरी में खतरनाक सांप को रख के भेजा, और कहते हैं कि उन्होंने उठाया, जब पिटारा खोला तो वहां पे जो सर्प था घूम घूम कर वैसी पुष्प की माला बन गई। तो एक तरफ ऐसे होते हैं संत, एक तरफ ऐसे भी होते हैं जो मृत्यु को अंगीकार कर ले,
आपने षड्यंत्र किया, मैं षड्यंत्र को स्वीकार करता हूँ। वो क्या दिखलाना चाहते हैं कि मुझे इस शरीर का तनिक भी मोह नहीं है। ये शरीर तो मेरी पोशाक है, मेरा वस्त्र है, तुम मुझे कष्ट नहीं पहुंचा सकते। सिखों के गुरु हुए हैं, एक से एक गुरु लेके, उनको तो क्या उनके बच्चों को सताया गया, और बच्चे भी इतने दृढ़ अपने धर्म पर कि हंसते हंसते उन्होंने मृत्यु का आलिंगन किया, लेकिन उनकी नाजायज शर्तों को स्वीकार नहीं किया। तवे पर चढ़ा दिया एक गुरु को, नीचे से आग लगा के, और जैसे हम लोग बैगन का भरता बनाते हैं वैसे बिठा दिया, और चमड़ा सिक रहा है ना, पक रहा है, और ये हंसते हैं। इस तरह तुमको कष्ट नहीं हो रहा है, अब भी स्वीकार कर लो हमारा धर्म, पे हंसते हैं, तुम कष्ट किसे पहुंचा रहे हो? कष्ट तो मेरे शरीर को हो रहा है, मैं शरीर नहीं हूं, मुझे तो तुम छू नहीं सकते। ये हमारा ज्ञान है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनम दहति पावकः, न चैनम क्लेदयन्ति आपो, न च शोषयति मारुतः। मारुत मतलब पवन, हवा सुखा नहीं सकती। वस्त्र गीले होते हैं तो पसारते हैं ना हम लोग, तो सुखाता कौन है? हवा ही सुखाती है ना, हवा जो है उससे इवेपोरेशन करती है, वाष्पीकरण करती है, और धीरे 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 जल सूख निकल जाता है पूरा, और कपड़ा सूख जाता है। आत्मा को कपड़ा सुखा नहीं सकती, जल उसे भिगो नहीं सकता, शस्त्र उसे काट नहीं सकते, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, और अग्नि उसे जला नहीं सकती। भगवान के भक्त हुए ना, देखिए प्रहलाद, उनको जलाने का आज में प्रयास किया गया ना, खुद होलिका बैठ गई, बुआ जी लेकर बैठ गई, और क्या हुआ? कहते हैं चादर उड़ गई और प्रहलाद को ढक दिया, और होलिका ही जल गई। तब से होलिका दहन हम लोग करते रहे आज तक। तो ऐसा हो गया था कि शरीर को क्या नुकसान पहुंचाओगे? सिर्फ हमारे धर्म में नहीं हुए ऐसे संत, किनके? पलटू साहब जैसे, या महर्षि दयानंद सरस्वती को, उनको लोग कहते हैं दूध में कांच के छोटे छोटे टुकड़े करके, एकदम नुकीले छोटे छोटे टुकड़े, और पिला दिया, पी गया और पता चल गया हमें। तो जिसने ये षड्यंत्र, लोगों ने पैसे दे के जिससे षड्यंत्र करवाया था उसे बुलाया अपने पास, कहा कि मेरी मृत्यु तो अब अवश्य मांगी है, मैं तो चला, लेकिन ये षड्यंत्र, इस षड्यंत्र का भी पता लोगों को चल ही जाएगा, और तब वे तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। इसलिए अपनी जेब से, सोचिए अपनी जेब से पैसे निकाल कर उसको दिए, और कहा कि जितनी जल्दी संभव हो शीघ्रता कर और यहाँ से भाग जा, यहाँ के लोग तुझे पकड़ न सकें। ऐसे ऐसे उदाहरण भी है। पलटू साहब कितने पूर्ण संत हैं, उनकी वाणियां पढ़िए, वो कहते हैं कि मैं कहाँ पहुंचे हुए थे, तो कहते हैं उस देश की बात मैं कहता हूं, आसमान के बीच सुराख है जी, मैं उस देश का वृत्तांत आपको सुनाता हूं, जहां आकाश के बीच में छिद्र है। वो शेर और शायरी पढ़ के सुनाते हैं, मोटिवेशनल स्पीचेज जहाँ दिया जाता है, मोटिवेट करते हैं लोगों को, तो वहाँ कहते हैं ना, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यार। कहने का मतलब क्या है कि असंभव से असंभव कार्य भी संभव है, यदि तुम मनोयोग पूर्वक प्रयास करो। उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथा, मनोरथ से सिर्फ बैठ के ख्याली पुलाव पकाने से होगा नहीं। लेकिन यहाँ क्या कहते हैं पलटू साहब, ये मुहावरा नहीं सुनाते हैं, कहावत नहीं सुनाते हैं, ये कहते हैं नहीं नहीं मैं गया हूँ उस देश में। कौन से देश में? तो जहाँ आसमान के बीच छेद है, मैं उस छेद में से होकर घुसा हूँ, और कहते हैं बादशाह उसी बीच बैठा है, बादशाह उसी बीच बैठा है, मेरा मन उसमें मुस्ताक है जी। कहते हैं उस छेद के बीच कौन है? तो परमात्मा बैठा हुआ है, बादशाह जो पूरी सृष्टि का रचयिता है, वो पूरी सृष्टि का नियंता है, वो महाराज राजाओं का राजा वहां पर बैठा हुआ है। कहा वाह वाह वाह, आपने देखा क्या उसको? तो कहते हैं बिल्कुल देखा। कैसे हैं दिखने में? तो कहते हैं सुर्ख तो उसका चेहरा है, सुर्ख मतलब लाल,
चेहरे पर सुर्खी छाई हुई है, लालिमा छाई हुई है, और आफ्ताब तसद्दुक लाख है जी। आफ्ताब कहते हैं सूरज को, सूर्य को, महताब मतलब चंद्रमा, आफ्ताब मतलब सूरज। तो कहते हैं एक नहीं दो नहीं लाखों सूर्य मिलकर कितना चमकेंगे, उतनी कांति उतनी दीप्ति उनके मुखमंडल पर है। ऐसे बादशाह को मैंने देखा है। तो पूछा अच्छा देखा है, आवाज वाज भी सुनी, बात बात भी की? तो कहते हैं क्यों नहीं, पलटू हु हु आवाज आवे। कहते हैं आवाज भी सुनी है मैंने उनकी। ये कौन सा छेद है आसमान में, जो हम लोग आंखें बंद करते हैं तो हमारे सामने जो आकाश दिखाई देता है वो कैसा है, अंधेरा ही अंधेरा है, अंधकारमय अंतराकाश है। हमारा जो अंतस है वो प्रगाढ़ तिमिर भरा हुआ है, उसमें अंधेरा ही अंधेरा है, कालिमा ही कालिमा है। इसलिए कोई उसे क्या कहते हैं, तो उसे नील पर्वत भी कहते हैं, नीला पहाड़ यानी काला पहाड़। और कोई उसे क्या कहते हैं, कठोर वज्र कपाट, गुरु गुरु खोलिए वज्र कपाट अंधेरी सन्मुख की। मेरे सामने जो अंधकार का पर्दा है कैसा है, तो कहते हैं वज्र कपाट। वज्र बहुत मजबूत होता है, वो दरवाजा भी इतना मजबूत है कि हमारे तोड़े नहीं टूटता है। किस चीज से तोड़ेंगे हम अंधकार के पर्दे को, अंदर में हथौड़ा हथौड़ा ले जा सकते क्या अंदर में, कोई बर्छी भाला कुछ तो है नहीं वहां पर, उस दरवाजे को तोड़ने का कौन सा हथियार है हमारे पास, तो कुछ नहीं, हमारी दृष्टि। दृष्टि से जहां पर गुरु ने बताया वहां देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। जितनी देर देखते हैं हम, उतनी देर मानो उस दरवाजे पर चोट करते हैं, प्रहार करते हैं, पत्थर फेंकते हैं। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, यहाँ पर वहां एक टक टक टकी लगाकर देखते रहना ही पत्थर उछालना है। और करते करते कितना भी बड़ा पत्थर हो, अगर उस पर हम हथौड़े चलाते जाएं चलाते जाएं चलाते जाएं तो 100 में नहीं तो 1000 में, 1000 में नहीं तो लाख में टूटेगा कि नहीं टूटेगा। इसलिए कहा गया है तकी तकते रहो। कैसे तकते रहूं, तो पलटू साहब कहते हैं कि तरीका सीख के देखो, नहीं तो देख के कोई फायदा नहीं है। कितनी भी सुंदर तुम्हारी ये बाहर की आंखें हैं, इससे वो दिखेगा नहीं। कहते हैं काजर दिए से का भया, देखिए पलटू साहब, काजर दिए से का भया ताकन को ढब नाही। देखने का तरीका, ढब मतलब तरीका ढंग, सीखा नहीं और चले देखने तो आंखों में काजल लगाने से कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो कैसे कैसे देखेंगे, तो कहते हैं कि ताकन की गति है न्यारी, ताकन को ढब नाही, ताकन की गति है न्यारी। न्यारी मतलब अलहदा, अलग विचित्र, जो कि सामान्य नहीं है, अद्भुत नहीं है। सामान्य तरीके से तो हम लोग रोज देखते हैं ना, लेकिन कुछ दिखता है परमात्मा, नजर आता है। कहते नहीं, उसको देखने का ढंग अलग है। कैसा अलग है, तो कहते हैं एक टक लेवे ताकी सोई है पिय की प्यारी, जो एक टक ताकता है। अरे ऐ तकी तकते रहो, मुर्शिद ने ये पंजा दिया। मुर्शिद मतलब गुरु, गुरु का ये जो बताया है आदेश दिया है उसके हिसाब से देखते रहो। और एक टक ले वह ताक, जिस दिन हम एक टक देखना सीख जाएंगे, कल या परसों ही डाला था ना पोस्ट की, मनोभावों को छोड़कर देखना चाहिए। आज ही है कि मन में किसी प्रकार के विचारों की तरंगे नहीं उठे, पूरा मन उस एक जगह एकत्रित हो जाए एक टक। गुरु महाराज कहते थे कि तुम इसलिए नहीं देख पाते हो कि एक टक नहीं देख पाते हो, दृष्टि वहां से भाग भाग जाती है, पलक झपक झपक जाती है अंदर में। एक टक जिस दिन देख लोगे तो सोई है प्रिय की प्यारी, प्रिय मतलब
प्यार परमात्मा, वो परमात्मा के प्यारी है, अर्थात परमात्मा उसको दर्शन देते हैं और तब वहाँ पर सुर्ख तो उसका चेहरा है, उसी को मीराबाई कहती हैं मांग सिंदूर भरी, नाम मांग है ना सिंदूर, सिंदूर कैसा लाल, और पलटू साहब क्या कहते हैं सुर्ख तो उसका चेहरा है लाल, जो अंदर एक बार वहां पे हमारी दृष्टि जमी न जमी कि एकदम सामने हो गया प्रकाश, उसी को कहते हैं कि जो बादशाह वो अंदर जो दिखता है प्रकाश हमें तेजो में बिंदु दिखता है वो है क्या, तो कहते हैं कि मुर्शिद नैनों बीच नबी है, स्याह सफेद तिलों बीच तारा अविगत अलख रवि है, वो रब है, रब रब मतलब परमात्मा, परमात्मा का दिखने वाला जो रूप है वो यही दशम द्वार में दिखता है और जो उसमें घुस जाता है मतलब वो आसमान में सुराख कर देता है, अभी तो पूरा बंद है और वहीं पर एक द्वार खुलता है, वो ब्रह्म रंध्र कहा उसे हमारे उपनिषद में, रंध्र मतलब क्या होता है बहुत महीन छेद, किसका तो जिसकी दृष्टि जम जाएगी तब फिर हम उस छेद में आसमान के बीच सुराख है जी, और उसमें अंदर में जो पहले तेजो में बिंदु दिखाई देता है उसी को कहते हैं स्वर्ग तो उसका चेहरा है, और मेरा भाई कहते हैं मांग सिंदूर भरी, और फिर आगे बढ़ते हुए प्रकाश भी बढ़ता जाता है और त्रिकुटी में जाकर एकदम चमकदार सूर्य के समान प्रकाश, आरती में हम लोग रोज गाते हैं कोट भान छवि तेज उजाली, करोड़ों भान मतलब सूर्य, करोड़ों सूरज के समान वही यहाँ पर कहते हैं आफ्ताब तसद्दुक लाद है जी, और जब हम देखते हैं तो सिर्फ दिखाई नहीं देता सुनाई भी देता है, पलटू हु आवाज, इतने महान सन और किसी के मजाल की उन्हें मार देगा, मारने की हम मन में जिस क्षण योजना बनाएंगे वही भनक हो जाती है, हाथ तो उठा नहीं सकेंगे मारेंगे क्या, वो चाहे तो हमारे मन में वैसे ख्याल को भी बंद कर दे, इतनी शक्ति होती है संतों में कि जिस मन से हम विचारना चाहते हैं उस मन के विचारने की शक्ति को बंद कर दे सकते हैं, शिथिल कर दे सकते हैं, इतनी पूरे ब्रह्मांड को टालने में एक एक दृष्टि से नष्ट कर देने की क्षमता उनमें रहती है, मामूली होते हैं संत के, और उन्हें कोई मार देंगे, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं कई जगह ऐसे इतिहास देखिए, हमारे मुसलमान भाई लोग हैं वहां पर जो सूफी संत हुए हैं फकीर हुए हैं, मंसूर शरमद भू अली और शम्स मौलाना हुए, संत तुलसी साहब ने कहा कौन मंसूर शरमद भू अली और शम्स तबरेज, शम्स तबरेज की खाल जिंदे में खाल नोचवा नोचवा कर उधड़वा दी लोगों, लेकिन उफ तक नहीं किया, किसी को पत्थर फेंक 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 के संग बोलते ना, संग मतलब पत्थर होता है, संग मरमर, तो संग मतलब पत्थर, पत्थर फेंक फेंक के मरवाया है ना, किसी को तलवार से कटवा डाला लेकिन उन्होंने उफ तक नहीं किया, मौत को स्वीकार किया और हंस के स्वीकार किया, जो देख रहे थे उनके दिल दहल गए, ये कैसा कैसा शख्स हमारे सामने खड़ा है कि जिसकी हम जान ले रहे हैं और वो हंसता है, हमें थोड़ी सी चोट लगती है तो हम कराने लगते हैं और यहाँ उसके प्राण जाने को हैं और तब भी वो एकदम संतुष्ट मुस्कुरा रहा है जैसे कि उसके आसपास संकट का नामो निशान नहीं है, ऐसे होते हैं, और क्या कहते हैं ये सब मामूली थे क्या, तुलसी साहब क्या कहते हैं मंसूर शरमद भू अली और शम्स मौलाना हुए पहुंचे सभी उस राह से, ये सब भी उसी राह से पहुंचे, कौन सा आसमान के बीच सुराख है जी, जिसने कि दिल पुख्ता किया, अरे ऐ तकी तकते रहो मुर्शद ने ये कर दिया, ये ऐसे पलटू साहब क्या कहते हैं देखिए मन की हालत बयान करते हैं कि मन मारे मरता नहीं किन्हें कोटि उपाय,
करोड़ों उपाय कर डाले, लेकिन मन जो है मारे नहीं मरता। मारे नहीं मरता मतलब कि मन को जान से थोड़ी मारेंगे। मन का मारना क्या होता है, बच्चा पढ़ने बैठता है, मन नहीं लगता, पापा जाने दो ना, सब खेल रहे हैं, मैं बाद में कर लूंगा ना होमवर्क, करता है ना। और तब क्या कहते हैं, पापा बेटे थोड़ी देर कर लो फिर जाना, मन को मार के थोड़ा बैठो। तो मन को मार करके बैठो मतलब कि मन की उद्विग्नता, मन की चंचलता जो है उसको रोको। और मन जो है कैसा चंचल, तो अर्जुन गीता में पूछते हैं, चंचलम ही मन है कृष्ण, हे कृष्ण ये मन जो है बहुत चंचल है। प्रमाथ ही बलवत दृढ़, इतना बलवान है कि मत डालता है, कुछ करने नहीं देता मुझे, ढंग से बैठता हूं जप करने, और कौन कौन से ख्याल ले आता है मन में, और कहाँ चला जाता है समय, कब बच जाती है हमारी वापस अलार्म मोबाइल की, कि हो गया 1 घंटा और पता चला कि कुछ तो किया ही नहीं, इधर उधर के ख्यालों में ही घूमते रह गए, जहां रहना था वहां तो टिके ही नहीं, या थोड़ी देर के लिए ख्याल आया भी और शुरू किया और कब शुरू किया पता ही नहीं रहा, फिर भटक गया। पता नहीं कितना बलवान है ये। भाई कहते मन मारे मरता नहीं, किन्हे कोटि उपाय, किन्हे कोटि उपाय, नहीं कोई मन की जाने, मन का मन के माय, मन को कौन जानता है। कहते और है कैसा, इतनी आफत है कि जिसको हम लोग मारना चाहते हैं उसका अस्तित्व, तो कहते हैं हाड़ नहीं, हाड़ मतलब हड्डी, मन को हड्डी है क्या, अपने शरीर को देखते हैं हम लोग, मन को देखा क्या। एक मौलाना जी आए थे हमारे पूज्य पाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के पास, और उनको बोला कि आप लोग मतलब ये जो क्या करते हैं इसमें, जो जिसको देखा नहीं उसको बोलते हैं आप कैसे मान लें कि है, जो आप कहते हैं अल्लाह है ये है। उन्होंने कहा कि अच्छा बताइए आप कुछ पढ़ते उड़ते भी हैं, पढ़ने का शौक फरमाते हैं। उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ने का शौक मुझे बहुत है, पढ़ता हूँ। तो बोले कितनी देर पढ़ते हैं, जब तक मन करता है पढ़ता हूँ, मन नहीं करता तो रख देता हूँ, फिर बाद में पढ़ता हूँ। बोले मन किसका, किसका मन करता है तब तक आप पढ़ते हैं ना। पत्नी ने उधर से बोला रखो जी, वो उन्होंने नहीं कहा, मैं अपनी तरफ से जोड़ रहा हूँ। तो उधर से बने आए, क्या कर रहे, कितना पढ़ेंगे, चलिए ना इधर आइए, तब रखते हैं, किसका मन। उन्होंने कहा मेरा मन और किसका। बोले अच्छा मन आपका है पक्का ना। बोले हाँ कैसे जानते हैं, देखा है कभी आपने अपने मन को, जो मन आपका जब तक करता है तब तक पढ़ते हैं और जब नहीं करता है तो पुस्तक रख देते हैं, तो ये जो आपका मन है वो किधर है ना। लेकिन आप ही कह रहे हैं कि जब तक मन करता है तभी तक पढ़ता हूँ और नहीं करता है, इसका मतलब आप मानते हैं पक्के यकीनी तौर पर मानते हैं कि आपका मन है, आप ही का मन है, आपने देखा है उसे, फिर कैसे मानते हैं कि मन है। जरूरी नहीं है कि जो हम देखें वही चीज जो है उसका अस्तित्व हो, या जो नहीं देखें उसका अस्तित्व नहीं हो, ऐसा नहीं होता है। आकाश हवा हम देखते हैं क्या, या अंधा कुछ नहीं देखता है तो क्या संसार नहीं है। कहते हैं कि माँ हाड़ चाम नहीं, मांस नहीं, हड्डी नहीं है, चाम मतलब बाबा अक्सर चाम बोलते रहे हैं, बहुत लोग समझ नहीं पाते, चाम मतलब चमड़ा, चर्म, स्किन नहीं है वो, हड्डी नहीं है, चमड़ा नहीं है, मांस मतलब फ्लेश नहीं है, मांस नहीं है, नहीं कछु रूप न रेखा, कोई खास उसकी रूप आकृति है क्या, ऐसा त्रिभुजाकार, चतुर्भुजाकार, इलिप्टिकल, ओवलॉइड, ऐसा कोई शेप है क्या मन का, कोई आखिर भी है, कैसा है, इतना जबरदस्त है कि कहते हैं मन नहीं पकड़ा जाए, बहादुर जवान है, करत रहे खुरखुंद, बड़ा शैतान है, अरे हाँ क्या कहते हैं उड़ता, अरे हारे पलटू, ऐसा यार हरीफ बसे इस हलक में, हमारे इसी शरीर में बसता है, अरे हारे पलटू उड़ता कोस हजार, पंख बिनु पलक में, पंख भी नहीं है उसको, और बैठे रहते और हजारों कोस उड़ के आ जाता है,
सोचिए ना, ध्यान करने बैठे हैं, कमरे में बैठे हैं, शरीर कहाँ है? कमरे के अंदर बंद है, और मन कहाँ चला गया? डिस्पेंसरी में, कॉलेज में चला गया ना। अब शरीर दीवार को तोड़ के दाल जा सकता है क्या? लेकिन मन, इतनी मोटी मोटी दीवारें, घर दीवारें बनाई हमने घर की, सबको लांग के किधर चला जाता है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग, उसका मन तो चांद पे भी चला जाता होगा, क्योंकि वहां कदम रख के आया था, बैठा। अरे क्या मजा आया था, एक पैर रखा तो जमीन पे नहीं पड़ता था, लगता था कि गिरेगा कि नहीं वापस गिरेगा। बैठा है यहाँ, कहाँ? अमेरिका में। पहुंच गया कहाँ? चांद पे। उड़ता कोस हजार पंख बिन पलक में। अगर हम यूनाइटेड स्टेट्स घूम कर आए हैं और वहां की बात याद आ गई, तो बैठे हैं इंडिया में और वहां का सीन विजुअलाइज करते हैं, मानस पटल पर अंकित होता है हमारे, और यहां से अमेरिका पहुंचने में कितना समय लगता है? फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी लगता है क्या? पूरा क्या स्पीड है इस मन की, क्या गति है, इस पे कंट्रोल करना है। छिनमय रो है, छिनमय कथा बैराग्य। लेकिन अभी बैठा हूं मैं आपके सामने और कैसी कैसी बातें सुना रहा हूं, वैराग्य की बात है। छिन में एक क्षण में वैराग्य की बातें करता है, और छिन में रो है, हंस है, कभी रोने लगता है, कभी अभी वैरागी बड़े बड़े ज्ञान की बातें करते हैं और उधर गए और तुरंत फंस गए, कहा विषयों के पंख में। किधर गया ज्ञान वैराग्य? मन को चढ़ते भी देर नहीं लगती, उतरते भी देर नहीं लगती। ये सब खेल कब तक चलता है? जब तक हम अंधकार में। जैसे ही हमारा प्रकाश लोक में प्रवेश हुआ, आलोक हमारे सामने आया, कि मन की वही छटपटाहट, मन की वही कालिमा, मन की वही गंदे गंदे मन की सोचने की प्रवृत्ति, सब एक क्षण में खत्म हो जाती है। वही कुमन सुमन हो जाता है, और फिर ऐसे की क्या स्थिति होती है, एक बार दिख गया तो आप उसके व्यवहार से परख कर सकते हैं कि वो समय ढूंढेगा या बैठे बैठे आपसे बातें करते करते कहीं मन चला जाए, आपको पता चल जाए क्या हुआ, तो वापस आ जाए, छिपा के रखेगा, बताएगा नहीं कि कहाँ चले गए, है ना। और मौके की तलाश में रहेगा कि किधर से मौका मिले कि फिर घर का एक कोना पकड़ूं और बैठूं, और वो आनंद जो कि बाहर में उसके आसपास भी कोई सुख, कोई रस, कोई रूप उसकी तुलना नहीं कर सकता, कब उधर जाऊं। बेचैन रहता है, न दिन में चैन आता है, न रात में नींद आती है, जब देखो तब वहीं जाना चाहता है। ये किसकी स्थिति हो जाती है? इसी मन की, जो अभी संसार में फंसा रहता है, समझाने से भी नहीं समझता। तो आवश्यकता किस बात की है, कैसे सुधरेगा ये मन? तो बारंबार बारंबार बारंबार, एक नहीं हजार बार, हजार नहीं लाख बार, लाख नहीं करोड़ बार, हमें हिम्मत नहीं हारनी है और करते जाना है। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सियान। बेवकूफ से बेवकूफ आदमी भी अगर अभ्यास करता जाए तो विद्वान हो सकता है, और करते करते बोलते हैं वर्जिश करते करते जैसे शारीरिक अंगों की मांसपेशियों की ताकत बढ़ती है, वैसे ही ध्यान करते करते मन की भी शक्ति बढ़ती है, और धीरे धीरे हमें पता नहीं चलता है, लेकिन हर एक ध्यान में जो हम बैठते हैं उसके साथ हमारा मन थोड़ा सा परिमार्जित होता है, साफ होता है। प्रश्न है कि भूल आज की नहीं है ना, भैकू साहब कई दूसरा है, एक पद्य उसमें कहते हैं, धुबिया फिर मर जाएगा, चादर लीजिए धोए, चादर लीजिए धोए, मैल है बहुत पुरानी, परत दर परत, वो छोटू उस पर गाना सुना है, परत परत इसकी सुलझाना, परत दर परत, लेयर्स आफ्टर लेयर्स, मैल बैठते 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 मन किधर है पता भी नहीं चलता, इतनी मैल को छुड़ाने के लिए कितना साबुन, ध्यान का साबुन, प्रेम का पानी लगे। तो ध्यान जो है करेंगे, हर ध्यान में सफाई होती है, और सफाई होगी तो क्या निकलेगा, मैल निकलेगी। कभी कभी अंदर में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं साधक को जो परेशान हो जाते हैं, इससे बढ़िया तो ध्यान नहीं करना, जब ऐसे रहता हूँ तो ऐसे विचार नहीं आते, ध्यान करने का फायदा क्या, ऐसे आ गए विचार को। तो कहते हैं, अरे जब कपड़े धोते हैं तो क्या निकलता है,
मैल बाहर आती है ना, कपड़ा साफ होगा ही नहीं अगर मैल नहीं निकलेगी तो। इससे घबराना नहीं चाहिए हमें, धैर्य धीरज धरे तो कारण, यहाँ से हमें मार्ग पकड़ना है और कब तक छोड़ना नहीं है, जब तक हम लोग मंदिर को प्राप्त न कर ले। इसके लिए क्या चाहिए, तो सबसे पहले तो गुरु का संग चाहिए, उनसे वो सब युक्ति चाहिए। ये सब हम पर लागू नहीं होता क्योंकि हमको गुरु मिल चुके हैं, सदयुक्ति हमें प्राप्त ही है। अब हमारे लिए क्या शेष रह जाता है कि खूब अभ्यास करें, जितना हम लोग अभ्यास कर सकते हैं करें, और अभ्यास में सफलता के लिए मन को ऐसी जगहों से, ऐसी चीजों से, ऐसे कर्मों से अलिप्त रखें, बचा कर रखें, रक्षा करें मन की। जहां जाकर उसके बिगड़ने की संभावना है ऐसी जगह पे न जाएं, जो देखकर मन फिर से गड़बड़ हो सकता है, ऐसे दृश्य ना देखें, ऐसा कोई कर्म ना करें जो मन को उधर ले जाए, तो हमारी पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। इसलिए दिन भर का जो हमारा आचरण है हमें उसकी भी देखभाल करनी है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा कि पांच महापाप जो हैं, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, उनसे हमें बचना चाहिए। और गुरु की कृपा के बिना कुछ होता नहीं है, तो बारंबार गुरु से प्रार्थना करते हैं। ये शरीर तो आया है, किसी का रहा है क्या? शरीर चला जाएगा, कितनी भी कोशिश कर लें चला जाएगा, देर जाए सवेर जाए जाना तो है, इसके लिए परेशान नहीं होना है। ये शरीर जिस काम के लिए मिला है उस काम में जितनी देर लगा सकें वो अच्छा है, नहीं लगाते हैं तो किसी दूसरे का नहीं, हम अपना नुकसान करते हैं। कल मैंने शेयर किया था ना कृष्ण कुमार वर्मा जी, तो जानते हैं कौन है कृष्ण कुमार वर्मा जी? अगर आप लोग नहीं जानते होंगे बहुत से, ये वही हैं जिनकी कथा आप लोग सुन चुके हैं कि जब वो कॉलेज में स्टूडेंट थे तो इतना जप का अभ्यास हो गया था, उनमें सिद्धियाँ आ गई थी, और जो कोई भी प्रश्न पूछता था तो यहाँ पर काली लपेटते थे और उसके उत्तर हो जाते उत्तर हो जाते। बच्चे आते थे और भैया 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 मैंने एग्जाम दिया है, बताइए ना कितने मार्क्स आएंगे, तो यही जाकर काली मसलते थे और वहाँ पे आ जाता था जो 69.3% मार्क्स आ जाते थे। कोई प्रश्न पूछे यहाँ आ जाता था, मना किया गया। इनके पिताजी खुद बहुत बड़े स्वागत थे स्वामी रामानंद, बहुत समझाया, नहीं माने, गुरु महाराज के पास गए, वहाँ भी दिखाने लग गए, वहाँ भी बताया गया। अंत में गुरु महाराज ने कहा ठीक है हमको भी तो दिखाइए, दिखाया तो वो उनसे मिले थे, तो दूसरी बार मिले तो पूछा, तो मैंने बोला अरे मुझे नहीं, मेरी दादी माँ जो है ना विश्वास नहीं करती थी, उनको विश्वास उत्पन्न करने के लिए ये गुरु महाराज की लीला थी, तो मानती ही नहीं थी। जब उन्होंने अपनी आंखों से देखा ना उनका विश्वास जम गया सच में। वो ये भी बतलाते हैं, एक बार मैंने प्रश्न किया अपने आप से, क्योंकि उसके पहले मैं हनुमान चालीसा के भी पाठ बहुत किया करता था, मुझे लगा कहीं किन की कृपा से ये शक्ति आई है, तो मैंने खुद से वही प्रश्न किया और वहां पे गुरु महाराज का नाम अंकित कर दिया। इससे इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है हमें कि अगर हमारे में विशेष शक्तियाँ आती हैं तो उनका प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, छिपा कर रखना चाहिए, और श्राप नहीं देने की तो प्रतिज्ञा ही करते हैं हम लोग जब दीक्षा लेते हैं, कि करते करते हमको पता नहीं रहता है हमें शक्ति आती जाती है, और किसी को अगर बुरा कह देंगे तो ऐसा हो जाएगा, और हो जाएगा तो हमारी शक्ति चली जाएगी। जिसको गुरु महाराज कहते कबीर साहब ने कहा कच्ची कली एक तोड़ी के मलिया पछताया हो, कली को जब छोटी है तोड़ देंगे तो फूल मिलेगा क्या, और फूल ही नहीं होगा तो फल मिलेगा क्या। तो जो हमारी साधना अभी नीचे की अवस्था की है और चले सिद्धि प्रदर्शन करने, हर एक सिद्धि प्रदर्शन से हमारी ताकत कम होती जाती है, अर्जित किया हुआ जो हमारी हमारी साधना है कमजोर, फिर वहीं पहुंचने के लिए मेहनत करनी है। इसलिए बहुत बचा के रखना, गुरु से कृपा की प्रार्थना। तो हमें क्या कहा कि यहाँ से चले गए तो कोई कानून बचाएगा नहीं, अगर इस शरीर में आके हमने ध्यान नहीं किया तो फिर कितना, तो गुरु नानक देव जी उन्होंने कैलकुलेशन बताया कि 84 लाख योनियों में जाने पर कितने 10 लाख या 10 करोड़ साल भूखना पड़ता है, तब जाके फिर ये मनुष्य का शरीर मिलता है, कितना अद्भुत है।
और उसकी क्या कदर करते हैं हम लोग, इस पर विचार करना चाहिए और फिर वो करना चाहिए जो करने के लिए परमात्मा ने इतनी बड़ी दात हमको दी है, इतनी बड़ी नेमत से हमें बख्शा है। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। Thank you.